चल रहे किसान आंदोलन के चलते आज पटियाला पंजाब से लगभग 250 से 300 एम्बुलेंस दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुई हैं, जो करनाल हाईवे से गुजरते हुए दिल्ली किसान आंदोलन की ओर निकली। आपको बता दें कि करनाल हाईवे पर बातचीत करते हुए महिला वेलफेयर सोसाइटी की प्रदीप कौर पटियाला ने बताया कि किसान पिछले 3 महीने से दिल्ली में बॉर्डर पर बैठे हैं, जिनमें बुजुर्ग लोग भी हैं और बच्चे भी हैं, जिनको समय समय पर दवाइयों की जरूरत पड़ती है। इसलिए आज पटियाला से लगभग 300 के करीब एम्बुलेंस दवाइयों सहित दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुई हैं। वहां पर अपनी ये सेवाएं देंगी। इन्होंने बताया कि कुछ एम्बुलेंस प्राइवेट हैं और कुछ एम्बुलेंस संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। सभी एम्बुलेंस दिल्ली में आंदोलनरत किसानों की सेवा में रहेंगी, क्योंकि कुछ बुजुर्गों की आंदोलन के दौरान तबियत खराब हो जाती है, जिनको मेडिकल सेवाओं की जरूरत पड़ती है, उसी को पूरा करने के लिए ये एम्बुलेंस दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुई है। यहाँ हम आपको बता देंगे कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में पंजाब से बड़ी संख्या में लोग आंदोलन पर जाकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं। वहां पर बैठे किसानों के लिए खाने पीने एवं लंगर की व्यवस्था की जा रही है। उसी के साथ एम्बुलेंस सेवा भी दिल्ली में पहुंचकर किसानों को मेडिकल सेवाएं देंगी। हाँ जी मैम, कितों आए तुसीं तो कितने जाने वास्ते जा रहे हो? असी सारे पटियाले तो आए हैं जी, तो असी हुण दिल्ली अपने समर्थन देने जा रहे हैं। जो भी असी हेल्प है तुसीं जाके कर सकते हैं अपने, तो उस अंदोलन में दिल्ली जा रहे हैं। किन्ने एम्बुलेंस चालक ने या परिचालक ने नाल? आई थिंक 250 के करीब एम्बुलेंस होंगे जी, 250-300 के करीब बीच एम्बुलेंस होंगे। तुसीं भी एम्बुलेंस वाले नाल ही हो? हाँ जी हाँ जी, एम्बुलेंस भी सभी है, साड़ी एम्बुलेंस आई है, महिला वेलफेयर सोसाइटी वालों साड़ी एम्बुलेंस आई है, असी एक सोशल वर्कर हैं जी। सारी एम्बुलेंस प्राइवेट ने या किसी संस्था वगैरह दी ने? संस्थावां दी है। प्राइवेट भी ने कुछ? हाँ जी कुछ प्राइवेट ने, जो कि अपने आप लेके आए ने, कुछ संस्थावां वालों ने। कितने जा लगे तुसीं? असी दिल्ली चले हैं जी। दिल्ली बॉर्डर ते जा रहे हो किसानों नाल समर्थन वास्ते, ते तुसीं की सोचिया भाई क्यों समर्थन देना चाहिए किसानों नूं? क्योंकि उत्ते हुण जिस तरह हुण ये अंदाजे साडे जिहड़े बुजुर्ग ने गे, उन्हां दी तबीयतां खराब ने गे, उन्हां नूं मेडिसिन ते एमरजेंसी कोई भी उत्ते लोड़ पै सकदी है अचानक ही, क्योंकि उन्हां नूं 3 महीने हो गए उत्ते बैठिया नूं, ते किसी नूं किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर उत्ते आ जांदी है ते इह एम्बुलेंसां उत्ते उन्हां लई इमीजिएंटली काम कर रही हैं। पहला भी अपनी एम्बुलेंस गई हैं उत्ते? हाँ जी हाँ जी, पहला भी सी। किन्ने दिन तक रुकने का तुहाडा इरादा करदे? हाले कुछ नहीं पता जी, हाले तक फिलहाल जा ही रहे हैं, देखते हैं जो तक साढ़े चेहरा होगा बैठा उत्ते। ठीक है, की नाम है जी मैम? मेरा नाम राधिका है जी। धन्यवाद जी। हाँ जी मैम, की कहना चाहते हो अज एम्बुलेंस सैकड़े की संख्या आई है अज? मैं पहले अपने बारे में बता दूँ थोड़ा सा, मैं महिला सेवा वेलफेयर सोसाइटी की प्रेजिडेंट हूँ पटियाला से, कुलदीप कौर पटियाला मेरा नाम। तो हमारी तो सेवाएं जो पहले से ही चल रही है, क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ, तो हम लोग पहले से ही तीन महीने हो गए कम से कम, हम लोग धरने में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। और जो एम्बुलेंस सेवा जो हमारी सोसाइटी की एम्बुलेंस है, वो 24 घंटे किसानों के धरने में हमने रखी है सेवा के लिए, कहीं भी किसी को भी ज़रूरत पड़ती है वो एम्बुलेंस को कॉन्टैक्ट करें तो जा सकते हैं। तो आज पूरा ऑल इंडिया एम्बुलेंस एसोसिएशन है सर, उनके साथ हम लोग, मेरी पूरी टीम, हम लोग साथ मिलके पूरे काफिले के साथ हम लोग दिल्ली रवाना हो। कितनी एम्बुलेंस है मैम? आज 250-250 के करीब एम्बुलेंस है, जो पंजाब की है। हरियाणा वालों ने भी आपका साथ दिया है? हाँ, उन्होंने भी दिया, अभी मुझे जानकारी नहीं उनके बारे में, क्योंकि अभी हम यहीं पे स्टे है हमारा, इससे आगे हम देखते हैं अभी कितने लोग हमारे साथ मिले हैं वो, बट पंजाब से 250-300 के करीब एम्बुलेंस है जो हमारे साथ चले। कितने दिन का रुकने का प्लान करके आए? अभी तो हमने यही सोचा भी एक हफ्ता तो कम से कम लगाएंगे, अगर उसके ऊपर भी लगाना पड़ा तो लगाएंगे, ये पहले भी आ ही रहे हैं, फिर से आ जाएंगे, कोई बात। पहले भी आपकी एम्बुलेंस गई हुई है वहाँ पे? हाँ, पहले भी हमारी कम से कम पाँचवा गेड़ा हुआ शायद एम्बुलेंस का। दिक्कत नहीं होती महिलाओं को घर पे बच्चों का भी ध्यान रखना? तो सारी आदमी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेता है। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं होता है। अगर एक लड़की को देखा जाए, एक लेडीज को देखा जाए, तो हर एक काम में आगे बढ़ के काम करती है लेडीज, तो ये डरना तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे तो हमारे बहन भाई अपने बहन भाई तो हम उनके साथ क्यों नहीं साथ दे सकते साथ। तो मैं तो आपके माध्यम के जरिए मैं यही कहना चाहूँगी अपनी जो मेरी बहना जो मुझे सुन रही हैं, कि आप भी कोशिश करो घर से एक मेंबर जरूर आओ, चाहे वो लेडीज है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बच्चा, जरूर पहुंचो इस काफिले में, किसानों का साथ दो, ताकि हम अपने हक लेके वापस मिलें। ठीक, क्या नाम है आपका? कुलदीप कौर पटियाला। थैंक यू मैम। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।